जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट इज द यूज़ ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स यूज लिखें विटामिन और मिनरल का तो यूज ऑफ विटामिन है दे हेल्प इन कीपिंग ओवर आई बॉन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी ये हमारे इन चीज़ों को हेल्दी रखते हैं मतलब आंखों को बोन्स को तीत को और गम्स को एंड यूज ऑफ मिनरल्स है दे हेल्प इन कीपिंग ओवर आई तीथ एंड ब्लड सेल्स हेल्दी दोनों के मैक्सिमम एक जैसे ही यूज uh, है लेकिन थोड़ा सा चेंज है वो ब्लड सेल्स को हेल्दी रखते हैं और यहाँ पे जो विटामिन वो आपकी तीत एंड गम्स को हेल्दी रखते हैं जी क्वेश्चन नंबर एट है हाउ एल्स कैन यू गेट वाटर इन योर डाइट बिसाइड ड्रिंकिंग जो हम डेली पानी पीते हैं उसके अलावा आप वाटर किन किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं तो इसका आंसर है वी कैन गेट वाटर फ्रॉम फूड सच एज़ मिल्क वाटर मेलन फ्रूट एंड जूसीज आपको पता है वाटर मेलन में भी पानी होता है मिल्क भी आप एज ए वाटर लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हैं जूसीज एंड फ्रूट्स भी तो हम इन चीज़ों से भी पानी हासिल कर सकते हैं जी क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स आपको पता है फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं तो आ, उन्होंने बोला है कि क्यों जरूरी है कि हर फूड ग्रुप्स में से हम कुछ ना कुछ अपनी फूड में शामिल करें तो इसका आंसर है टू स्टे हेल्दी सेहतमंद रहने के लिए एंड डिवेलप रेजिस्टेंस फॉर डिजीज वी नीड फूड और मुख्तलि बीमारियों से बचने के लिए हमें हर फूड ग्रुप में से कुछ ना कुछ जो है फूड अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए एंड इसका और आंसर है दे आर असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हमारी हो सके इसलिए भी हमें हर फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए जी क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ कैन यू गेट इनफ ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट आप अपनी डाइट में Uh, किस तरह से तमाम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं तो इसका आंसर अच्छा है वी कैन गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम प्लांट्स और एनिमल्स से जो खुराक रेडी करते हैं उनसे हम तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकते हैं जी अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर वन है फूड गिव्स अस डैश फॉर वेरियस एक्टिविटीज डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए हमें फूड क्या देता है और एनर्जी इसका आंसर अच्छा है ठीक है फिलिंग द ब्लैंक्स में एनर्जी आएगा क्योंकि फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है नंबर टू पे है देयर आर डैश फूड ग्रुप्स कितने ग्रुप्स हैं सिक्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है नंबर थ्री पे है कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी देते हैं और नंबर फोर पे है प्रोटीन हेल्प अस टू डैश ओवर बॉडी टू बिल्ड ओवर बॉडी जिसम का कोई पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी बिल्डअप उसके सेल्स करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है जी फाइव पे है डैश टू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द टू द बॉडी बट नेसेसरी फॉर बॉडी फंक्शन हमारी बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते हैं लेकिन बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरतें होते हैं वो है विटामिनस ठीक है उसके बाद नंबर सिक्स पे है फैट प्रोटेक्ट्स ओवर स्किन फ्रॉम डैश टम्परेचर चेंज फैट्स खाने से जो ये जैसे कभी सर्दी आ जाती है कभी गर्मी आ जाती है तो हमारी स्किन को ये बचाते हैं नंबर सेवन पे है विटामिन आर सबस्टांस प्रजेंट इन डैश अमाउंट इन फूड स्मॉल अमाउंट बहुत स्मॉल अमाउंट होती है विटामिनस की हमारी बॉडी के अंदर हमारी फूड के अंदर नंबर एट पे है डैश इज़ अ चार्ट दैट हेल्प हेल्प टू चूज़ डेली फूड कौन सा चार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या डेली फूड में खाना चाहिए तो उस चार्ट को बोलते हैं फूड पैरामिट इस चार्ट के जरिए आप इजीली अपनी फूड में शामिल कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एम सी क्यूज यूनिट नंबर थ्री के ठीक है इसका फर्स्ट एम सी क्यूज है विच मिनरल हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड टीथ कौन सा जो मिनरल है वो बॉन्ड्स और तीत की बिल्डअप के लिए ज़रूरी होता है तो वो है कैल्शियम कैल्शियम खाने से आपको पता है आपके बॉन्स भी मजबूत होती हैं और आपके तीत भी मज़बूत होते हैं नंबर टू पे है वट कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर कौन से कौन सी चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स को ऑल बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है और बॉडी को रेगुलेट करती है उसके टेम्परेचर को तो इसका आंसर है वाटर ना कार्बोहाइड्रेट करते हैं ना फैट्स ना प्रोटीनस वाटर जो है वो रेगुलेट करती है जी थर्ड एमसीक्यूज है द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर डैश पोटैटोज़ वीट श्यूग्रंस नंबर बी पे है मीट फिश पल्सिस या सी पे है बटर घी ऑयल डी पे है स्पेनिश जिंजर और टोमेटो तो जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो ये वाला ग्रुप है पोटैटो वीट एंड शुग्रंस नंबर फोर पे है द डाइट विच कॉन्टेन राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स इज़ वो कौन सी डाइट कहलाती है जिसमें पूरे न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं अनबेलेंस डाइट अनहेल्दी डाइट बैलेंस डाइट और डिलीशियस डाइट तो इसका आंसर है diet. बैलेंस डाइट क्योंकि बैलेंस डाइट में तमाम न्यूट्रेंट्स इक्वली पाए जाते हैं जी फाइव एम सी क्यूज है द न्यूट्रेंस डेट आर नीडिड इन स्मॉल अमाउंट बाई अवर बॉडी इज विटामरल्स नंबर बी पे है फैट्स नंबर सी पे है प्रोटीन जो हमारी बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो न्यूट्रेंट्स हैं विटामिन एंड मिनरल्स नंबर सिक्स पे है दे हेल्प टू अवर बॉडी टू ग्रो वो कौन सी फूड ग्रुप है वो कौन सा जिसको खाने से हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करती है विटामिन फैट्स एंड प्रोटीन्स तो आपको पहले भी बताया गया विटामिन और फैट्स की इतनी विटामिन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो इसमें जो है वो प्रोटीन जो है उसको बॉडी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो, ज़रूरत होती है इनकी हमें जी सेवन वाला एम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा बॉडी बिल्डिंग में हमें हेल्प करता है तो ये मीट है गोश्त खाने से जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है नंबर एट पे है विच विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रोंग बोन्स। विटामिन ए विटामिन ई e, और विटामिन डी तो विटामिन डी जो है वो बेटे स्ट्रोंग बोन्स के लिए ज़रूरी हैं जी एम सी क्यूज नाइन है आयरन इज़ आ डैश विटामिन मिनरल और फैट तो जो बेटे आयरन है वो एक मिनरल है ठीक है हम मिनरल को सर्कल कर देंगे नंबर टेन पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इफ़ इटन मोर कैन मेक अ सिक वो कौन सी फूड आइटम है जो हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे मिल्क बर्गर और वेजिटेबल्स तो इसमें जो है वो बर्गर जो है अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे तो जी बेटे ये आपके थे क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एम सी क्यूज